हमारा नेक्स्ट चैप्टर है गॉस लॉ. गॉस लॉ इज ए फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड इट इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल. गॉस लॉ पढ़ने के लिए जो सबसे पहली चीज हमें पढ़नी है और सबसे इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स. इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं. इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी और इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए सरफेस ऑफ एरिया ए वेयर देयर इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई. तो अगर एक सरफेस है जिसका एरिया ए है और उसके हर पॉइंट पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, लेट अस से दिस इज ए प्लेन सरफेस, उस प्लेन सरफेस का एरिया ए है, उसके हर पॉइंट पे अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, देन वी विल से दैट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस एरिया इज इक्वल टू ई इंटू ए. इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेन के परपेंडिकुलर है तो इस सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स सिंपली ई इंटू ए के बराबर हम डिफाइन करेंगे. अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस एरिया के परपेंडिकुलर नहीं है, इस कंडीशन में तो इस प्लेन का नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में पैरेलल है. अगर नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड एक एंगल थीटा बना रही हैं, फॉर एग्जांपल ये सरफेस है, इसका नॉर्मल इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है और इलेक्ट्रिक फील्ड ई मेक्स एन एंगल थीटा विद द नॉर्मल, इस कंडीशन में वी विल डिफाइन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस एज फ्लक्स इज इक्वल टू ई इंटू ए इंटू कॉस थीटा. ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ए इसका एरिया है और थीटा नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल है. दिस कैन बी सेट टू बी इक्वल टू ई डॉट ए, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर, जहां पे हमने एरिया को एक वेक्टर लिया और ये वेक्टर इस प्लेन के परपेंडिकुलर है अलोंग द नॉर्मल, तो इस सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स ई डॉट ए एंड देयरफॉर फ्लक्स इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ ई एंड ए एंड देयरफॉर इट विल बी अ स्केलर क्वांटिटी. नेक्स्ट इज अगर वो एरिया प्लेन नहीं है, इफ एरिया इज नॉट प्लेन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट यूनिफॉर्म. इससे पहले वाली दो कंडीशन में हमने प्लेन एरिया लिया था और इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे सेम ली थी. अगर एरिया प्लेन नहीं है और इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे अलग अलग हो, लेट अस से दिस इज ए नॉन प्लेनर एरिया, इस एरिया के डिफरेंट पॉइंट पे अगर अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड हो, फॉर एग्जाम्पल इस पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इवन हो, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड E2 हो, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड E3 हो और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड E4 हो, मतलब डिफरेंट पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है, इनकी डायरेक्शन भी अलग है और हो सकता है इनका मैग्नीट्यूड भी अलग हो, इस कंडीशन में अगर मुझे इस सरफेस से पास होने वाला टोटल फ्लक्स निकालना होगा, इन दैट केस वी हैव टू ब्रेक द एरिया इनटू इनफाइनाइटली स्मॉल एरिया dA. इस पूरे एरिया को हम इनफाइनाइटली स्मॉल एरिया dA में ब्रेक कर देंगे, समथिंग लाइक दिस. और ऐसा एक छोटा सा डीए तो प्लेन होगा, इस डीए की डायरेक्शन हम इसके प्लेन के नॉर्मल लेंगे और अगर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है, लेट अस से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो इस छोटे से डीए से पास होने वाला फ्लक्स हम डिफाइन करेंगे डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डीए, जहां पे E इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे है और dA मैंने एक वेक्टर लिया जिसकी डायरेक्शन, अब मुझे इस छोटे से सरफेस से पास होने वाला छोटा सा फ्लक्स मिल गया. अगर मुझे टोटल फ्लक्स निकालना होगा, देन द टोटल फ्लक्स विल बी फाई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dA एंड दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ E वेक्टर डॉट dA वेक्टर. दिस इज द टोटल फ्लक्स जो कि इस सरफेस से पास कर रहा होगा. तो मुझे अगर एक नॉन प्लेनर एरिया से फ्लक्स निकालना है जिसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है, मैं उस नॉन प्लेनर एरिया को इनफाइनाइटली स्मॉल एरियाज में ब्रेक कर दूंगा, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा, सारे ई डॉट डी ए निकाल दूंगा और सारे ई डॉट डी ए का सम कर दूंगा. ये सारे ई डॉट डी ए का सम टोटल फ्लक्स होगा जो कि इस सरफेस से पास कर रहा होगा. dA is a infinitely small area taken perpendicular to the plane of the area. यहाँ पे dA एक छोटा सा एरिया है जिसकी डायरेक्शन हमने perpendicular to the plane of dA मानी है. E is the electric field through the area dA. E electric field है जो कि dA area से पास कर रही है और E dot dA is the infinitely small flux passing through the area dA. और integral of E dot dA क्या होगा? Integral of E dot dA is the total flux
पासिंग थ्रू द इंटायर सरफेस. दस दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन द टोटल फ्लक्स जो कि एक सरफेस से पास कर रहा होगा. गॉस लॉ को समझने के लिए सबसे पहले हमें फ्लक्स निकालना आना चाहिए और किसी नॉन प्लेनर एरिया से जो पास होने वाला फ्लक्स होगा दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए, जहां पे उस एरिया को हम छोटे छोटे एरिया में ब्रेक कर देंगे और हर पॉइंट पे ई डॉट डी ए निकालेंगे और फिर सारे ई डॉट डी ए को एड कर देंगे. तो जब भी हम इस टाइप की इक्वेशन देखें ई डॉट डी ए, इसका मतलब कि हमने ये इंटीग्रेशन एरिया के ऊपर किया है, हमने उस एरिया को छोटे छोटे एरिया डी ए में ब्रेक किया है, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है, हर पॉइंट पे फिर ई डॉट डी ए किया है और सारे ई डॉट डी ए को जोड़ दिया है. जो वैल्यू हमें मिलेगी वो इस सरफेस से पास होने वाला टोटल फ्लक्स मिलेगा.